ये सब करके कछु फायदा ना है, ऐसा लग रहा है किसी के मातम में आकर बैठी है। अरे इतरा के अपने भाग पे तो मुस्कुरा ले जीजी। अरे तमाय उम्र में आके तो सभी के सब बम सुखे के ट्रक के पीछे दौड़ती हैं कि भैया हमें भी राय डालने दो, और इस उम्र में आके तमाय तो सर ढकाई होने जा रही है। अरे जीजी, इंसान अपने लिए चप्पल खरीदता है तो भी जांचता है, और हम तो अपने लिए बेड़िया ले रहे हैं तो आप। प्रणाम हल्दी ठाकुर महाराज। भी गए अरे काहे हाथ में री कर तो जजमान पूजा का समय हो रहा है जी। बस दो मिनट में आते ही होंगे सबके सब। ओहो अमृता आदि कहाँ हो? हाय। कहाँ हो ये? हमारे भगवान जी दोनों इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लेकिन पूजा तो आप कर रहे हैं। क्यों, आप तो तुम्हारे भी धुलेंगे ना साथ में। बैठो चलो आप। ओहो धनुबाप। अरे कहाँ चल दिए तुम? मैं तो रेडी हूँ, वो एक्चुअली फोन जरा गलती से भूल गया, मैं भी लेके आया। अरे इस घर में ना एक तो चाचा कहाँ है? हल्दी चाचा कहाँ है वो? हाँ वो किसी जरूरी काम से बाहर गए, उन्होंने कहा था कि पूजा शुरू रखो मैं आकर ज्वाइन कर लूँगा। और दीदी की कोई खबर है? माँ स्टेशन से यहाँ आ रही होंगी, रास्ते में होंगी, क्योंकि लगभग एक घंटे पहले रतू ने उन्हें स्टेशन से पिक कर लिया होगा। अब यार यजमान पूजा का समय हो रहा है। अरे कोई आए तो पूजा शुरू करे ना पंडित जी, दो मिनट रुकिए जरा। धनुमा आ गए, मलक आ गए, मिठाई आ गई, सामग्री आ गई, सब आ गए। ये लीजिए पंडित जी। तो आप भी आ रही है, चली बैठिए। ठाकुर मालक बस फल लाने बाकी रह गए। घर में एक लड़की है जो थोड़ी सिंसियर है, उसका भी पता नहीं आज कहाँ पर। अमृता मामा जी आई एम रेडी ऑलमोस्ट। जैसी भी हो पाई। I know मैं किसी कॉमिक से निकल के भागी हुई कार्टून लग रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे साड़ी पहनने का बड़ा मन था और धनुमा बिजी थी और मुझे तो ऑब्वियसली साड़ी पहननी नहीं आती, इससे सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए तो आई हूँ यहाँ तुम सबकी गड़बड़ियाँ ठीक करने। दीदी फाइनली अब हो जाएगा। खुश रहो खुश रहो। विक्रम इतने दिन भी घर नहीं संभला तुमसे। अरे हम कहाँ ये सब। मैं समझ गई, संभालते भी कैसे तुम, इन बदमाशों को इतनी छूट जो दे रखी है तुमने। ये आजकल के बच्चे अपने हिसाब से ही चलते हैं, इनके कान पकड़कर समझाना पड़ता है, लेकिन तुमसे तो ये सब होने से रहा। जी जी मैंने तो अपने डिपार्टमेंट के सारे काम अच्छे से कर लिए। कुहु बेटा, लेकिन तुमसे किसने कहा ये घर संभालने के लिए? अरे तुम्हें तो किसी और के घर भेजना है उसका घर संभालने के लिए। इनको जितना डांटना है डांट लीजिए, और उसके बाद आप संभालिए, हमारे बस की बात नहीं है ये सब। विक्रम घर संभालने का काम तुम्हारा थोड़ी ना है, तुम्हारी बहू होती तो वो। अरे दीदी आप छोड़िए ना, आप हमारा टॉपिक क्या छेड़ रही हैं। यजमान पूजा का समय हो रहा है। दीदी पूजा। हाँ जी पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, आओ बैठो। आओ आओ चलो चलो पंडित जी शुरू कीजिए।
बैठो। बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारे। हल्दी भैया, अगर तुम्हारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है तो हम इसकी कीमत की बात करें। हाँ। बेड़िया भिखारी नहीं, सिर्फ बिकाऊ होती है। उम्र के हिसाब से जो कम ज्यादा की बात करनी है वो तुम कर लो। अरे कम ज्यादा की क्या बात है जी जी, पैसों की बात तो हो ही चुकी है, बाकी जे संजोरदार आई है। भैया बात आगे बढ़ाने से पहले वो सारी बातें भी तो कर लो, वो तुम्हारी शर्तें। देखो गुलाबो, इंसान हम बहुत सीधे किस्म के हैं, जिंदगी में कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। हम अगर रात को जब तक चार घूंट गले के नीचे ना उतरें, दिन पूरा पूरा नहीं लगता। तो मतलब ये है कि रहने दो भैया, तुमसे ना कहा जाएगा, हम ही कह देते हैं। देखो गुलबिया, शराब अंदर जाने के बाद भैया इतने सीधे नहीं रह पाते, जय का कोई भी नहीं रह पाता, अब समझ रही हो ना तुम, झेल लेना। और जय कोई प्रेम प्यार का मामला तो है नहीं जो भैया शांति से संभाल लेंगे। अरे नहीं जी जी, साथ वक्त गुजारेंगे तो प्रेम प्यार की भी लहर दौड़ जाएगी कभी कभार, हमेशा थोड़ी ना। ध्यान रहे, बंद दरवाजे के पीछे ये आदमी बने रहे या जानवर, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। और बाकी तो तुम जानती ही हो गुलबिया, एक बेड़िया को हर हाल में ठाकुर की कैसे सेवा करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब भैया तुम्हारी सरडकाई कर देंगे तो किसी और ठाकुर के पास जाना तो दूर, उसके बारे में तुम मन में कोई ख्याल भी नहीं लाओ, नहीं तो वो सर ढकाई के 75,000 रुपए तुम्हें वापस लौटाने होंगे, और वो भी सूद के साथ। हाँ? जेका, किसी और के नाम का मंगलसूत्र तुम कैसे पहन सकती हो? उतारो इसे। अभी तक सर ढकाई हुई नहीं है ठकुराइन देवी, जब हो जाएगी तब उतार देंगे। कछु और कहलवाना है क्या? नहीं जी जी, वो बस एक और बात थी, हमारे भतीजे ना विक्रम सिंह, उसे इस बारे में अभी कछु पता नहीं चलना चाहिए, वो मानेगा नहीं, और क्या है कि थोड़ा दबते हैं मुझसे। भैया इसे काहे इतना समझा रहे हैं, हुकुम चलाने की आदत डालिए। चलो अब जाओ और जल्दी से जाकर के तैयार हो जाओ। ऐसे कहाँ अचंभे में आ रही हो? सर ढकाई आज ही है। आज? उसी के लिए तुम्हें तैयार होने के लिए कह रहे हैं।
आज? लेकिन हमने सुगनी को तो कुछ नहीं बताया, हमें उसे समझाने के लिए थोड़ा बखत लगेगा। देखो गुलाबिया, तुम 16 साल की तो नहीं हो जो नखरे दिखा करके अपनी इच्छा बताओगी और हम उसे पूरी कर देंगे। यहाँ जो पैसे दे रहा है, इच्छा उसकी पूरी होगी। बाकी तुम्हारे घर में तुम किसके सामने का नौटंकी करके संभालती हो, वो तुम्हारा सरदर्द है। सर ढकाई तो आज ही होनी है। हाँ ठकुराइन देवी, शुभ काम में देरी काहे, आज ही कर दीजिए सर ढकाई। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद हम नीली टेकरी पर मिलते हैं और सर ढकाई करवाते हैं इसकी। चले भैया? हाँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शाबाश गुलाबिया, सिर्फ 1 घंटे का और रिश्ता है तुम्हारा और इसका। बधाई हो गुलाबिया, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई रातें शुरू होंगी। जे और इससे जुड़ा हर रिश्ता आज से तुम्हारी जिंदगी में पाप कहलाएगा। प्रणाम ठकुराइन जी। दुश्मन के साथ मिल का साजिश रची जा रही है। इतने उतावले हो रहे हैं आप, तो सुनिए, झेल सकते हैं तो झेलिए। आपकी रखेल का सौदा करके आ रहे हैं हम, हल्दी के साथ। मोड़ियों वाले कपड़े और नहीं तो का, अब मोड़े वाले कपड़े कहाँ से लेके आए तुम्हारे लिए बताओ। अभी जय पहना देंगे छलिया को। जब पेट में था तो सबको अच्छा दे दिया कि मोड़ी है, कुछ तो सजा मिलेगी ना। दे के बताए सजा कोई हमारे भाई को, आंखें नोच लेंगे। ओहो इतना रोने लग गया। मामा देखो ना, तुम्हारा बदमाश रोने लग गया। आओ चुप कराओ इसे। मामा आओ ना इसे। मामा मामा सोच रहे हो? अभी तक नाराज हो? अरे छोड़ो ना, चलो चलो मुन्के से। अरे नहीं नहीं, हम ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। वो कहा है कि हम मोड़े के लिए झुनझुना लाना चाहते हैं, जा दौड़ के ले आ। अभी? अरे बाद में चले जाएंगे ना। नहीं नहीं अभी के अभी जा और जे ले, जे जे पैसे ले, नदी की परली तरफ मिल जाएगा वहीं से लाना, और अपने लिए भी कछु खरीद लेना। चल जा दौड़, जा जल्दी जा रहा लेकर। तू चुप कर। गई थी जी।
कहीं नहीं, वो हम सुनंदा के यहाँ गए थे। विक्रम ठाकुर के चाचा की और बहने बनवाने गई थी का, जो उसे अपने साथ लेकर गई थी। हमारे मुंह बोले भाई हैं। और वैसे भी एक बात कहें ठाकुर साहब, जब आप हमको अधिकार नहीं देते कि हम आपसे सवाल करें कि आप कहां जाते हैं, आपकी रातें कहां गुजरती हैं, तो हमसे इतने सवाल क्यों? छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। क्या दर्द? हमेशा आपको अपनी जगह याद दिलाएगा, किसी धोखे में मत रहना। आपकी सहेली का वो सजावट का सामान है जिससे कभी भी जमीन पर पटक कर बिखरा जा सकता है। हम जानते हैं कि ये भाई बहन की ममता भरी मुलाकात नहीं थी, हमारे दुश्मन के साथ में का साजिश रची जा रही है। इतने उतावले हो रहे हैं आप, तो सुनिए, झेल सकते हैं तो झेलिए, आपकी रखेल का सौदा करके आ रहे हैं हम, हल्दी के साथ। तोड़ दीजिए हमारा हाथ, बिखेर दीजिए जमीन पर, लेकिन उसके बाद भी उस बेड़िया की ग्रहण की छाया इस हवेली से दूर जाते हुए रोक ना पाएंगे आप। अब रात के आखिरी प्रहर वो दबे पाव आपके कमरे से निकलते हुए हमें कभी ना दिखेगी। बहुत तकलीफ हो रही है, सड़काई रोकना चाहते हैं तो जाइए हल्दी भैया के आगे गिड़गिड़ाइए और उनसे कहिए कि आपकी बेड़िया आपसे ना छीने। विक्रम ठाकुर ने तो आपकी मान की चुनौती दे ही दी है, और बाकी की इज्जत वो आप हल्दी भैया के आगे हाराइए। की सरडा का ही हो रही है का? सरडा का ही हो रही है का? अरे जबान चल रही है चिंकलिया, हाँ रखे कांगर जीप पर, सुनाई ना तेरा का कह रहे, जा भीतर। देख लो चीची, बच्ची भी देखकर समझ गई कि तुम्हें सर ढकाई के लिए सजा रहे हैं। क्या कहें, लगी रही हो इतनी चमक चांदनी। कौन कहेगा इतनी उम्र में हो तुम, हम तो बस। पर सब भाई के सब मुंह लटकाए बैठे हैं। अरे जे सर ढकाई ना हुई ना तो हफ्ते भर में जे घर से लाशी उठना शुरू हो जाएंगी, फिर माफी मांगते रहना एक दूसरे से। पर सुमनी, सुमनी को तो मालूम ही नहीं है कि उसकी माई की सर ढकाई है, कितना धक्का लगेगा उसे।
धक्का। अरे सुगनी के कारण जो धक्का लगा हमारे पूरे परिवार को। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, सुगनी को अच्छा बुरा लगना या तुम्हारे औलाद की जिंदगी? जो कछु भी है उसे सर झुका के मानना पड़ेगा बस। फिर भी चीची सुगनी को बताना जरूरी है ना? सुगनी कभी इस बात के लिए राजी ना होती। सुन लिया चीची? लेकिन अरे मन कर तुम्हारे लेकिन किंतु परंतु। अरे हम बात करेंगे सुगनी से। हाँ जी, हम बात करेंगे, मान जाएगी वो। लेकिन जीजी तुम मिली हो ना वो हल्दी ठाकुर से, इंसान कैसे हैं वो?